मध्य प्रदेश में कलश यात्रा के दौरान जमकर पथराव किए जाने का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष के बाद पुलिस ने हालात काबू में किए और क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। आर्या इलाके में उपद्रवियों ने सोमवार शाम अक्षत कलश यात्रा पर एक धर्मस्थल के सामने पथराव कर दिया। बताया जा रहा है कि शाम करीब 7 बजे अक्षत कलश यात्रा लालपुर से प्रारंभ हुई। यात्रा घूमकर लौट रही थी, उसी समय हरायपुर क्षेत्र में स्थित एक धर्मस्थल के सामने दूसरे पक्ष के लोगों ने यात्रा पर पथराव कर दिया। हिंदू संगठन के लोग अक्षत कलश यात्रा निकालते हुए पीले चावल बांट रहे थे और राम धुन गाकर क्षेत्र से गुजर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इसमें एक युवक के घायल होने की खबर है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। इसके बाद आरएसएस कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग पहुंचे और उक्त पथराव का विरोध करने लगे। शाहजहांपुर विधायक अरुण भीमावत और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कोतवाली थाने पहुंचे और पथराव करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने तथा उनके घर गिराने की भी मांग कर दी गई। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।